बहुत लीक हो गया। कॉलेज का काम का चक्कर था और उसके बाद फिर रेजर्वेशन कराने चली गई। आज दिल्ली वापस जाना है ना। अब की बार दिल्ली जाओगी तो वापस कब आओगी? अब एक साल बाद ही आऊंगी यार डॉक्यूमेंट्स लेने। तुम बताओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? जॉब ठीक चल रही है। भूल ही गई मैं, तुम किसी लड़की के बारे में बताने वाले थे ना, बताओ बताओ। हाँ लड़की के बारे में बताना, हाँ उसी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। ये बताओ ये बाल ब्रह्मचारी प्यार व्यार के चक्कर में कब से पड़ गए? अरे मैं तुम्हें बताने वाला था लेकिन तुम दिल्ली चले गए थे इसलिए ठीक से बात नहीं हो पाई। टाइम कंस्ट्रेंट था। अब तो हमारे पास टाइम है, बताओ स्टार्टिंग से बताओ क्या हुआ कैसे हुआ सब बताओ। तो सबसे पहली बात ये है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं और उसकी मुझे हर बात अच्छी लगती है। ओके। खास करके उसकी आंखें। हाय हाय। उसी से दिल की बात कहना चाहता हूँ, वो कहने के लिए मैं हिम्मत नहीं जुटा रहा था। क्यों? मुझे डर लगता है कि शायद उसे ये मेरी बात पसंद ना आए और इस वजह से शायद हमारा दोस्ती ना टूट जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ना ज़्यादा सोच रहे हो। बेसिकली तुम प्यार में कंफ्यूज हो गए हो और प्यार में कंफ्यूजन वाले लोगों का ना फंडा मुझे समझ में नहीं आता, मुझे बड़े वियर्ड लगते हैं। अगर आपको कोई पसंद है उसके पास जाओ और दिल की बात बोल दो। अब ये बताओ जब तक तुम उसे बोलोगे नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो, यू हैव फीलिंग्स फॉर हर, उसे कैसे पता चलेगा? जाओ और बोल दो यार। वो तो सोच रहा हूँ कैसे बताऊँ। देखो ऐसा है कि ये वाइन में रिंग डालना, केक ले आना, रेस्टोरेंट बुक करना, म्यूजिक लगाना, ये सब ना फिल्मी बातें हैं, सब फिल्मों में अच्छा लगता है, रियल लाइफ इज नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। हाँ एक रोज लेके जाओ और कह दो अपने दिल की बात, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है कर देते हैं फिर। तुम मुझे सच में बहुत अच्छी लगती हो और मैं तुम्हें चाहता हूँ। अरे वाह मेरे राजकुमार राव, बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। ऐसे ही तो बोल रहा हूँ कि सच में मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ और तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।